मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है और आज एक और हिंदी वीडियो है क्योंकि आप सबको मेरी पुरानी वाली हिंदी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी जो कि मेकअप एसेंशियल्स के बारे में थी। आप सबने उसको बहुत ही सराहा और उस पर एक क्वायरी बार बार आई है और वो है कि डार्क सर्कल्स को कैसे छुपाएं मेकअप से। बहुत सारे नेचुरल होम रेमेडीज भी हैं जो आप यूज कर सकते हैं अपने डार्क सर्कल्स को धीरे धीरे कम करने के लिए। डार्क सर्कल्स कभी भी पूरी तरह जाते नहीं है क्योंकि हमारी डाइट, हमारी नींद ऊपर नीचे होता रहता है, तो वैसे ही डार्क सर्कल्स ऊपर नीचे होता रहता है। ऊपर से अगर किसी की जीन्स में हो, किसी की हेरिडिटरी हो, जैसे किसी के बड़े के हो तो आपके भी हो सकता है। तो डार्क सर्कल्स बहुत वजह से होता है और बहुत सारी रेमेडीज हैं। अगर आप चाहते हैं उस पर एक वीडियो देखना, आप मुझे जरूर बताएं, मैं जरूर करूंगी। जितना भी मुझे पता है मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। तो पर आज हम बात करने वाले हैं कि मेकअप से डार्क सर्कल्स को कैसे छुपाएं, कलर करेक्टर कैसे यूज करें, क्या होता है क्या नहीं होता। तो आज मैं सिर्फ डार्क सर्कल्स की बात करने वाली हूँ, इसलिए हम कलर करेक्टर का कुछ पार्ट करेंगे, सारा कलर करेक्शन नहीं करने वाले हैं। तो चलो जल्दी देखते हैं कि डार्क सर्कल्स को कैसे छुपाया जा सकता है और अपनी आंखें एकदम सुंदर बनाई जा सकती है। सबसे पहला प्रोडक्ट जो मुझे चाहिए वो होता है एक कंसीलर। अब ये जो एक कंसीलर है इसमें थोड़ा सा पीच अंडरटोन है। अगर आपके बहुत ही ज्यादा डार्क सर्कल्स हैं, बहुत ही ज्यादा डार्क सर्कल्स हैं और आप एक फेयर कॉम्प्लेक्शन के हैं, लाइक बहुत ही फेयर कॉम्प्लेक्शन के हैं, तो आपको क्या करना है, आप ऑरेंज या पीच अंडरटोन्स के जो कंसीलर्स होते हैं आप उनको उठाएं। आपको मैट में बहुत अच्छा मिलेगा। ये क्रायोलैन का है और ये बहुत ही सस्ता था, आई थिंक 300 या 400 का था और इतना सा टब बहुत लास्ट करता है। मुझे नहीं लगता मेरा ये कभी खत्म होने वाला है क्योंकि मैं इतना यूज ही नहीं करती रोज ताने में अपना मेकअप, तो कभी कभी जब चाहिए होता है मैं इसे यूज करती हूँ तो बहुत देर तक चलेगा। तो ये टब 300-400 का है और एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ओनली प्रॉब्लम है कि ड्राई स्किन के लिए इसे ब्लेंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आप या तो एक वेट स्पॉन्ज यूज करें या अपनी फिंगर्स से उसे थोड़ा सा गर्म करें ताकि वो अच्छे से आपकी स्किन में ब्लेंड हो जाए। तो ड्राई स्किन के लिए ये इशू है इसका, ऑयली स्किन में तो ये बहुत ही सीमलेसली ब्लेंड हो जाएगा बहुत ही अच्छे से। तो आप कोई कंसीलर ऐसा उठाएं जिसमें पीच या ऑरेंज अंडरटोन है, और अगर आप बहुत ही लाइक मीडियम टू डार्कर स्किन टोन है तो आप ऑरेंज में ही जाएं, ऑरेंज कलर करेक्टर ही उठाएं, पीच आपके लिए काम नहीं करेगा। तो आप उस हिसाब से देखें कि आपको क्या चाहिए। ये एक बहुत ही लाइट पीच टोन कंसीलर है क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स नहीं है, बहुत लाइट डार्क सर्कल्स हैं तो ये उनको छुपा देता है, तो इसीलिए मैं इस कंसीलर को यूज कर सकती हूँ। और इसकी डिस्क्रिप्शन और सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप उसे आसानी से देख सकते हैं, बस उस एरो को क्लिक करिए। और अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए ताकि मैं, और इस वीडियो को लाइक करिए ताकि मुझे पता चलता रहे आपको ये वीडियोज अच्छी लग रही हैं हिंदी में और मैं आपको और वीडियोज बनाकर दे सकूं। और कमेंट कीजिए कि आपको और किस बारे में वीडियोस देखनी है। तो कमिंग बैक टू द वीडियो, ये हमारा कंसीलर है। तो मैं इसको फिंगर से लेना पसंद करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी ड्राई टू नॉर्मल स्किन टोन है, तो फिंगर से क्या होता है थोड़ा सा मेल्ट डाउन हो जाता है, थोड़ा सा पिघल जाता है, तो हम उसे अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। तो मैं ये रिंग फिंगर ले रही हूँ बिकॉज ये सबसे कम प्रेशर अप्लाई करती है और आपका जो अंडर आई एरिया है वो बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा नरम होता है, तो इस पर ज्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना चाहिए। ऑल्सो दो चीजें जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है, अगर आप काजल रोज यूज करते हैं तो मेक श्योर अपना आप काजल पूरी तरीके से उतारें क्योंकि काजल की वजह से यहाँ पे बहुत ही कालापन लगता है। और फिर अगर आप कंसीलर अप्लाई करेंगे तो आपका कंसीलर बहुत ही ग्रे टोन में चला जाएगा जो बहुत ही गंदा लगेगा और कुछ कंसील भी नहीं होगा। तो अपना काजल या अपना मेकअप अच्छी तरीके से उतारें, काजल जरूरी क्योंकि इंडियन गर्ल्स बहुत ही ज्यादा काजल अप्लाई करते हैं रोजाना, हम सब काजल अप्लाई करते हैं, तो जितना मर्जी आप उतारेंगे आपको कहीं ना कहीं थोड़ा दिखेगा। तो आप बार बार, जब तक आपका कॉटन, जो आपकी कॉटन होती है वो क्लीन ना आए तब तक आप काजल को अच्छे से उतार दीजिए। दूसरी चीज, आप अंडर आई एरिया को हमेशा एक घंटा प्रायर मॉइस्चराइज जरूर करिए जब आपको मेकअप लगाना हो। इनफैक्ट पूरे फेस को आधा घंटा
पहले मॉइस्चराइज करना चाहिए, क्योंकि ताकि मॉइस्चराइजर आपके फेस में सिंक इन कर जाए, अच्छे से चला जाए, उसके बाद आप अपना मेकअप अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप उसी टाइम अप्लाई करेंगे तो आपका सारा मेकअप अच्छे से ब्लेंडिंग नहीं होगा, आपका मॉइस्चराइजर सिंक इन नहीं होगा, वो भी ऊपर ऊपर, तो उसका कोई फन नहीं है उसी टाइम करने का। आधा घंटा पहले बहुत ही जरूरी होता है, तो वो जरूर करें। और हाँ, एक बार आपने काजल उतार दिया, अपनी स्किन प्रेप कर ली, मॉइस्चराइज कर लिया, अंडर आई क्रीम लगा ली, तो उसके बाद हम इस कंसीलर पे आएंगे। अभी मैंने फाउंडेशन नहीं लगाया है। अगर आपको अपने डार्क सर्कल्स हाइड करने हैं तो आप एक ऑरेंज टोन या पीच टोन का कंसीलर अपने फाउंडेशन लगाने से पहले यूज करें। अगर आपके बहुत ही लाइट डार्क सर्कल्स हैं, जैसे कि मेरे हैं, तो मैं हमेशा इसे यूज नहीं करती हूँ। लेकिन अगर आपके बहुत ही ज्यादा डार्क सर्कल्स हैं, तो पहले एक ऑरेंज टोन कंसीलर लगाएं, उसके बाद फाउंडेशन लगाएं, और उसके बाद अपना हाइलाइटिंग कंसीलर लगाएं, ठीक है। अगर आप मेरी तरह हैं, जिनके ज्यादा डार्क सर्कल्स नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं बड़ी आसानी से। फाउंडेशन लगाइए और अपना हाइलाइटिंग कंसीलर लगाइए, और उसी से आपको इतनी कवरेज मिल जाती है कि आपको डार्क सर्कल्स हाइड करने के लिए ये एक्स्ट्रा स्टेप नहीं लेना पड़ता। लेकिन फिर भी जब आपको पार्टी फंक्शंस के लिए जाना हो और एकदम सीमलेस दिखना हो, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। तो हाँ, ये सब हो गया कंसीलर के बारे में। अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे यूज करना है। अब मैं इस वेट मेकअप परफेक्टर से उसके ऊपर जाऊंगी ताकि कोई भी हार्श लाइंस ना रहे। अगर आप देख सकते हैं, आपको इंस्टेंटली एक डिफरेंस दिखेगा। ये इसमें डार्क सर्कल्स बहुत हाइड हो जाते हैं और इसमें डार्क सर्कल्स आपको दिख रहे हैं। जब मैं पूरा कर लूंगी तब तो आपको मेजर डिफरेंस दिखेगा ही, लेकिन आपको थोड़ा सा अभी भी दिख रहा होगा। अगर आपके पास पीच या ऑरेंज कलर करेक्टर नहीं है, तो आप एक ऑरेंज लिपस्टिक भी यूज कर सकते हैं। जस्ट अ हैक। आप ऐसा ना करिए कि आप हमेशा ऑरेंज लिपस्टिक ही यूज करते रहे अपनी आंखों के नीचे। पता नहीं उसमें क्या केमिकल्स होते होंगे, क्या नहीं होता होगा, तो आंखों के लिए आप अलग से प्रोडक्ट्स लें तो ज्यादा बेटर होगा। पर अगर आपके पास नहीं है तो आप ऑरेंज लिपस्टिक जरूर यूज कर सकते हैं, वो अमेजिंग वर्क करता है। बस आप इस चीज का ध्यान रखें कि उसमें शाइनी या ग्लिटर पार्टिकल्स ना हो, वो एक मैट लिपस्टिक हो, तभी वो आपके काम आएगी, वरना ये शाइन करेगा। तो यस, अब मैं अपनी फाउंडेशन अप्लाई करने जा रही हूँ। और मैं स्पॉन्ज का यूज करूंगी अपने फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए। मैं मेनली फिटमी फाउंडेशन यूज करती हूँ। अपने कंसीलर को हमेशा डार्क करें, उसे कभी भी रब ना करें, क्योंकि आप उन डार्क स्पॉट्स को हटाना चाहते हैं। तो जहां भी डार्क स्पॉट है वहां डार्क करें। ऑल्सो यही पीच कंसीलर अगर आपके फेस पे कहीं भी और डार्क स्पॉट्स हैं, तो आप उसे वहां भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। बाकी कलर करेक्शन कलर्स होते हैं, जो ग्रीन है और अलग अलग कलर्स होते हैं, वो अलग अलग चीजों के लिए होते हैं, तो उसकी वो एक सेपरेट वीडियो ले लेगा, वो एक बहुत ही अलग चीज है। बट एक पीच और ऑरेंज अंडरटोन डार्कनेस के लिए होता है, लाइक जो लाइंस यहाँ पे दिखती है आपको, उसको काउंटर करने के लिए होता है। तो हाँ, उसके लिए आप पीच ऑरेंज यूज कर सकते हैं। बाकी के कलर्स आई डोंट थिंक कोई भी नॉर्मल डेली लाइफ में यूज करता है, तो इसलिए मैंने उसके बारे में आपको ज्यादा नहीं बताया। कंफ्यूज ना हो, आप सिर्फ इन कलर करेक्टर्स पे जाएं और आपका काम बन जाएगा। अब मैंने फाउंडेशन भी लगा ली है, तो आपको दिख रहा होगा बहुत ही सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। उसके बाद मैं लूंगी ये हाइलाइटिंग कंसीलर। ये मेरे स्किन टोन से एक या दो शेड लाइट है,
तो ये हाईलाइट भी करेगा और डार्क सर्कल्स को कंसील भी करेगा। जो क्रायोलाइन का कंसीलर मैंने यूज करा था वो ऑलमोस्ट माय स्किन टोन है बिल्कुल, मतलब इट ब्लेंड्स इन माय स्किन, मेरी स्किन में वो मिक्स हो जाता है, ऐसे अलग नहीं लगता। ये जो है ये थोड़ा लाइटर शेड है ताकि ये इस एरिया को कंसील करके हाईलाइट भी करे और हम बाकी के एरियाज कंटोर कर सके। इस कंसीलर को मैं हमेशा वी शेप में लगाऊंगी ताकि ये पूरा का पूरा एरिया हाईलाइट एंड कंसील हो सके। अगर मैं इसे ऐसे लगाऊंगी तो जब भी फोटोग्राफ या कुछ आएगा तो वो बहुत ही अजीब लगेगा। मेकअप आर्टिस्ट तो इसको यहाँ तक भी लेकर जाते हैं क्योंकि वो एक पूरी कंटूर फेस लुक के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन हम नॉर्मल डेली वाला कर रहे हैं तो इतना बहुत होता है, ट्रस्ट मी। अब आप देख सकते हैं ऑलरेडी मतलब कितना डिफरेंस हो गया है पहले और अब के में, और मैंने बहुत ही लाइट पीच टोन यूज करा है। अगर आपके बहुत ही ज्यादा डार्क सर्कल्स हैं तो मेक श्योर कि आप एक ऑरेंज टोन यूज करें, उस फैमिली में और डार्कर शेड्स में जाएं। और हाँ, यही थी आज की वीडियो। आई रियली होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को थम्स अप करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, प्लीज ना भूलिए, तभी मुझे पता चलेगा कि आप मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और मेरी मेहनत सफल हो रही है। और अगर आपको कोई भी और वीडियो हिंदी में पर्टिकुलरली देखनी है या एनी वीडियो जो आप एनीथिंग आई यू वॉन्ट टू आस्क मी, कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट्स में जरूर पूछिए, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी, आई अश्योर यू मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। तो हाँ जी, कुछ भी पूछना चाहते हैं गो हेड एंड आस्क मी, कुछ और देखना चाहते हैं गो हेड और कमेंट्स में मुझे बता दीजिए। एंड सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।